टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की कार की ठोकर से स्कूटर सवार एक लड़की घायल हो गई। गुजरात के जामनगर में हुए इस हादसे के बाद जडेजा खुद उस लड़की को एम्बुलेंस से लेकर एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि रविंद्र जडेजा जामनगर में जॉगर्स पार्क इलाके के पार्क कॉलोनी सोसाइटी में रहते हैं। पत्नी रिवाबा के साथ अपनी ऑडी कार में निकले थे। घर के पास ही जडेजा की कार से एक स्कूटर सवार लड़की को ठोकर लग गई। ठोकर लगने के बाद लड़की का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर पड़ी। हादसे के तुरंत बाद रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी कार से निकले और लड़की को पकड़कर सड़क के किनारे बिठाया। इसके बाद उन्होंने 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा को कॉल करके बुलाया। दोनों उस लड़की को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की के पैर और हाथ में मामूली चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जडेजा की कार के पिछले हिस्से से लड़की के स्कूटर में ठोकर लगी। मालूम हो कि हादसे में घायल लड़की का नाम प्रीति शर्मा है और वो जामनगर के विद्यासागर इन्फोटेक में पढ़ाई कर रही है। रविंद्र जडेजा को उनके ससुर ने 1 करोड़ रुपए की ऑडी Q745 गिफ्ट की है। शादी से पहले उनके ससुर हरदेव सिंह ने उन्हें ये बेशकीमती कार गिफ्ट की थी। लग्जरी कार गिफ्ट में मिलने के बाद जडेजा ने चुटकीले अंदाज में कहा था कि ऐसे ससुर सभी को मिलने चाहिए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।